बिहार में 40 सीट जितना जाना मांगा है, जितना जोर लगाना है मोदी जी को लगा ले। और चिराग नीतीश कुमार बोले कि दारू बंद है, कहाँ दारू बंद है हमको बता दे कोई कि दारू बंद है कहीं, यहाँ पर फोन करेगा तो यहाँ पर दारू आएगा। सम्राज चौधरी बोल रहे कि मुठा बांधे देखे नीतीश जी को सत्ता से हटा कर लेंगे, आज उसी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि नौकरी 10 लाख देंगे, यही नीतीश जी बोले थे पैसा कहाँ से लाओगे, अपने बाप कौन से लाओगे। आज वही तेजस्वी यादव गानी मैदान में नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र बंटवा दिए। आप बताएं तेजस्वी जी ऐसा काम किए कि पीएम को रोड पर ला के खड़ा करो, जो सांसद काम नहीं करेगा तो पीएम को रोड से करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम लगता है प्रधानमंत्री के नाम बदल कर प्रचार मंत्री रख देना चाहिए। और बिहार का, बिहार में जो समझी काम का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो आज तक बिहार में आकर रोड शो किया। हम परिवार चलाने का औकात नहीं है और मोदी चिल्लाते पहले परिवार चलाए बैठ कर। मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम गलत है, तो मुस्लिम गलत है तो ये उनका काम है, ये जनता का काम नहीं है कि भारत से मुस्लिम बाहर करेंगे। डंका कहाँ बजा रहे हैं, और उनके पार्टी में मुस्लिम नहीं है, नहीं है मुस्लिम, मुस्लिम को भी समर्थन देते हैं। तो हम लोग तो पूर्वक मनाए हुए हैं ना, हम लोग आज जितना भी युवा है कोई ढंग से बता दे कि अपने बाबूजी और माँ को घर में बैठा कर खाना खिलाता हो, सबके बाबूजी माँ और बाबूजी काम करते हैं, और वही लोग चिल्लाता है मोदी मोदी। मंदिर एक अपना अंदर आत्मा का आस्था है, वो किसी के जबरदस्ती से नहीं होगा। हम इनको कहेंगे कि आप चलिए वहाँ पूजा कीजिए तो कर लेंगे, जब तक इनका अंदर आत्मा नहीं जगेगा जब तक। वैसे बदलना चाहिए इस बार सरकार, बहुत जरूरी है सरकार का बदलना। विकास की नहीं, अटल पथ बनने से आपके घर में रोटी आ गया तो आप उनको बताइए, आपके घर में हमारे घर में अटल पथ बनने से आपका क्या फायदा और हमारा क्या फायदा, कोई किसको नहीं बना। आपके संजीव चौरसिया है, नहीं आते हैं न पता है उनके पास, तो दूर दूर तीन तीन बार या दू बोली यही लोग से पूछिएगा। सबसे बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 1-22 में पेयजल की समस्या, विधायक जी के पास गोर हाथ जोड़ने के कम से कम 50 बार गए, संसद के पास गए, 2 साल से आवेदन हम देते थे फंसे हुए। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। मंदिर का आस्था तो हमारा हिंदुस्तान में आई है, हर हिंदू के दिल में राम मंदिर है, हम लोग पूजा पाठ करते नहीं हैं, आपके कहने से हम राम मंदिर जाएंगे तब हम हिंदू होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी गर्मी तेज है, हर छोटी से लेकर बड़ी पार्टी एक दूसरे पर चुनावी तंज कस रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 11 और इस वक्त हम हैं दिघा पार्टी पुल के पास, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि यहाँ का इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा, उनका मुद्दे का आधार क्या होगा, वोट किस आधार पर करेंगे यहाँ पर, और क्या क्या समस्या है। तो चलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही हम सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? देव कुमार। यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? जन्मभूमि है यहाँ पर, जन्मभूमि है। यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? अभी तो बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई मेन मुद्दा तो यही है। तो नरेंद्र मोदी तो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कितने रोजगार मिला ना? नहीं मिला। मिला कहाँ से सर, मिलता तो फिर कहने लायक क्या था, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपने दिया, अगर आपने दे दिया होता तो फिर युवा क्यों लड़ते आपसे। आपके घर में कितने लोग बेरोजगार हैं? हमारे घर में पूरे फैमिली बेरोजगार हैं, किसी को रोजगार अभी तक नहीं, को नहीं, किसी को नहीं। आप क्या करते हैं? हम लोग किसान हैं। किसान खेती बाड़ी करते हैं। तो किसान हैं आप, तो क्या राज्य सरकार की कोई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं मिला कोई को, जो सरकारी रेट है सर 267 या 268 रुपया, हम लोग 400 रुपया खरीदते हैं यूरिया, सीजन में वो भी मिलता नहीं है, मशक्कत करना पड़ता है। तो ये हाल है यहाँ का। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। क्या कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं, वहाँ तो नहीं थी सर, उसका लेखा जोखा है आप लोगों के पास भी, आप लोग मीडिया कर्मी हैं। 450 के करीब सिलेंडर मिल जाता था, 60 से 70 रुपये सरसों तेल मिल जाता था, 60 से 65 रुपये डीजल पेट्रोल मिल जाता था 80 रुपये तक, अभी 100 पार है। यानी मोदी सरकार से खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है सर, पूरा जनता और सबसे खास करके युवा उनसे राम मंदिर से खुश महाराज है? क्या खुश होंगे, मंदिर तो पूरे देश के लिए बना है ना, पूरे देश के लिए बना, सामाजिक संस्था है ना वो, पूजा पाठ करने के लिए तो हर लोग जाएंगे, उसमें एक जात तो नहीं जाएगा ना, केवल मोदी जी नहीं ना जाएंगे, कांग्रेस की पार्टी की जो भी सदस्यता हुए वो लोग भी तो जाएंगे पूजा करने। यानी ये बार मोदी का तख्ता पलट कर दीजिए? कुछ नहीं, पलट तो होना ही होना है, सबसे ज़्यादा नाराजगी युवाओं में है।
बेरोजगार लोग जो हैं वो इनको इस बार सबक सिखा देंगे। चलिए, इनका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा। अभी इस वक्त हम आपको बता दें कि हम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में हैं और 1 जून को पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से सांसद रह चुके रविशंकर प्रसाद टाल ठोक रहे हैं, तो वहीं मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत उनके साथ मुकाबला करेंगे। तो वहीं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती और रामकृपाल यादव आमने सामने होंगे। तो चलिए, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर कई सारे स्थानीय लोग हैं, इनसे ही जानेंगे कि और क्या बड़ा मुद्दा है यहाँ का। देखिए, दीघा का सबसे बड़ा मुद्दा है हाउसिंग बोर्ड, आज से नहीं है, बहुत समय से है। यहाँ बीजेपी का MLA MP उसी का रहा है, भलाए उस समय सरकार में नहीं था लेकिन अब तो सरकार में 10 वर्ष से है। और संजोग ऐसा हुआ कि यहाँ के सांसद केंद्र में कानून मंत्री बने और यहाँ के स्थानीय निवासी भी वहाँ कहते हैं। और इस पर जो है आज तक कभी भी निदान नहीं हुआ और जनता के आज भी बरगलाया जा रहा है। अभी हमको भी लगता है कि अभी तो वैबे करेंगे। और हमारा जनता जो है दीघा का बहुत भोला है, वो समझता नहीं अपने मत अधिकार कैसे करना चाहिए। हम सबसे यही निवेदन करें कि मत अधिकार हर कोई कीजिए, लेकिन अपना मुद्दा के देखते हुए कि मुद्दा पर आपका समस्या का समाधान कहाँ कहाँ हुआ और नहीं हुआ। अभी जो राशन बढ़ता है, हम खुद कंप्लेन किए थे इस पर, जो 5 किलो राशन मिलता है, 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, वो चावल और गेहूँ इस तरह से मिलता है सारा हुआ कि आदमी जब बढ़ता है तो आप देखिएगा दीघा हाट पर दुकान है, वो दुकान में जाकर राशन बेचता है, खाने योग्य नहीं रहता है राशन। और सरकार कहते कि हम व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि व्यवस्था, राइट टू फ्यूचर कांग्रेस के समय में लागू हुआ था, वो प्रचार प्रसार नहीं करती थी, राशन उस समय भी मिलता था। लेकिन यहाँ तो अब तो प्रचार का एगो साधन हो गया, ऐसा प्रधानमंत्री तो हम आज तक कभी जीवन में नहीं देखे। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत करते हैं, विपक्ष पार्टी के थे, वो सत्ता में ही लोग थे, लेकिन आज वही देखिए महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया, 400 का सिलेंडर 1200। अगर इनसे अगर सवाल कीजिएगा तो ये राम मंदिर का मत, राम मंदिर का आस्था तो हमारा हिंदुस्तान में आई है, हर हिंदू के दिल में राम मंदिर है। हम लोग पूजा पाठ करते नहीं हैं, आपके कहने से हम राम मंदिर जाएंगे तब हम हिंदू होंगे? हम हिंदू हैं ना भैया, इस हमको दिखाने का ऐसी चीज़ नहीं है। आप बने हुए हैं, सरकार बनाए हुए हैं पब्लिक के समस्या के समाधान के लिए, ना कि राम धर्म के बीच में बांटने के लिए। आज तो हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में धर्म में बांटा जा रहा है लोगों को, ये तो आतंकवादी वाला काम खुद करते हैं। तो हमको तो लगता है कि तो नाथुराम गोडसे का समर्थक आ अंग्रेज का तलबे चाटने वाला लोग कहाँ जानेगा हिंदुस्तान का हाल। ना है कि चुनावी मुद्दा धर्म का नहीं होना चाहिए, धर्म अपने जगह पे है, राम मंदिर बना है ये सबके लिए है, लेकिन इसको किसी भी पार्टी को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और आपके मुद्दे का आधार क्या होगा, कितने साल से आना है तो ये पार्टी के पास जन्मभूमि यहीं पर है। इस बार का मुद्दा क्या होगा, यहाँ का सबसे बड़ा स्थानीय समस्या क्या है? वो बेकारी जो है, बेकारी सरकार का कोई जैसे सरकार हो, बेकारी जहाँ समस्या उसको समझा नहीं है। बेकारी तो हैया ना है, मंदिर बना दल है, डंका लेके चुटी ले चल, मुर्दा लेके मंदिर के नाम, समाज को देखिएगा ना कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है। कोई आदमी गरीब जो है सस्ते का आदमी सफेद नहीं बन रहा है, यानी महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई क्या? और यहाँ का समस्या कोई बड़ा समस्या यहाँ का? अरे यहाँ का सबसे बड़ा समस्या तो देख रहे हैं कि सरकार सारी जमीन को हड़प ली है, पैसा के जमीन को हड़प के सरकार क्या की? सरकार जो है प्रमुख पार्टी के दे रहा है, प्रमुख पार्टी को चाहे दे रहा है। जमीन पे कुछ सरकारी काम हुआ है तो सरकार जमीन पर काम है, स्कूल बना है, सीमा सुरक्षा बल को दिया है, पूरी भवन बना है, सरकारी संस्था बना, सरकारी संस्था बना, उसका कुछ मुआवजा नहीं दिया, मुआवजा आज तक नहीं मिला। यहाँ के जो भी जमीन जो अधिग्रहण की गई सरकार के द्वारा, इनका कहना है कि कोई मुआवजा राशि यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के एक बड़ी नाराजगी यहाँ के स्थानीय लोगों में है। युवा है हमारे साथ, एक और युवा है, क्या मुद्दा होना चाहिए इसका? जमीन का मुद्दा होता है, यहाँ का बहुत कुछ है, सरकार उसको लेकर के SSC कंपनियों को बेच रही है, शिक्षा बोर्ड को बेच रही है, राजनीतिक क्या तरीका है? जब स्थानीय जमीन है तो आप किस ऑथराइज से उसको लिए हैं, और ऑथराइज बता दीजिए कि सामने सामने आपको मुआवजा देना चाहिए था ना। ये जबरदस्ती दंगल किया गया अधिकार, अभी इस पार्ट में पूरे में देख लीजिए,
चाहिए। इतना दिन से यहाँ का सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, किसी के घर में नलजल है? आज तक ये योजना यहाँ नहीं आया, क्यों? यहाँ पर पानी का नहीं है, पानी सबके घर में पड़ी है, या जनता का अपना जो व्यवस्था की है सप्लाई पानी नहीं है, आज से नहीं, जब से हम होश संभाले जब से यहाँ सप्लाई पानी नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर चल रही है। अभी भाई साहब बोले बालू का जो सही में सब जितना भी लड़का लोग है कुछ पैसा बालू में अपना काम करके कमा लेता था, तो अब बालू चालू है कहाँ? ये तो रंगदारी हो रहा है। ट्रैक्टर अगर खदान से बाहर जाएगा तो प्रशासन बैठा रहता है घाघ लगा के, तुरंत उसको जो है कि नोच लेता है। 2000 रुपया कमाएगा, 10000 प्रशासन को भरेगा। हर चीज से यहाँ तोड़ चुके हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त चरम सीमा पर बहुत ज्यादा, इसका कोई बयान नहीं कर सकते। और महंगाई उस तक चरम सीमा पर पहुंची हुई है जो हर आदमी जानते होंगे, क्योंकि पेट का भूख सबको है। लाख कोई फैशन कर ले, पहन ले, ओढ़ ले, मंदिर घूम ले, मस्जिद घूम ले, उससे मतलब नहीं है, पेट का भूख सबको है, छोटा से लेकर बड़ा तक का। तो इस मुद्दे को देखते हुए इस बार बीजेपी सरकार को नहीं आने देने के लिए हम लोग फ्रंट आते हैं। जो 10 साल में आई है पद्धर मचा के रखी है। अगर मुस्लिम सुनिए ना, बीजेपी मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम गलत है, तो मुस्लिम गलत है तो ये उनका काम है, ये जनता का काम नहीं है कि भारत से मुस्लिम को बाहर करेंगे। वो शांति से क्यों नहीं करते हैं? वो डंका कहाँ बजा रहे हैं? और उनके पार्टी में मुस्लिम नहीं है मुस्लिम को भी समर्थन देते हैं, तो हम लोग तो बुढ़वत बनाए हुए हैं ना, हम लोग तो इतना दिन मुस्लिम के साथ रह रहे हैं, आज तक कोई आँच नहीं आया है। एक साथ बैठ के खाते हैं पीते हैं, सब भाईचारा है यहाँ पे, सब जाति से भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज्यादा करते हैं वो, और इसी में सबको बर्बाद करके रखे हुए हैं। आज जितना भी युवा है कोई ढंग से बता दे कि अपने बाबूजी और माँ को घर में बैठा कर खाना खिलाता हो, सबके बाबूजी माँ और बाबूजी काम करते हैं, और वही लोग चिल्लाता है मोदी, परिवार चलाने का औकात नहीं है और मोदी चिल्लाता है, पहले परिवार चलाए बैठ कर। लालू जी भी तो मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तुम कहाँ कहते हैं कुछ, तो सबको लेकर चल रहे हैं ना। लालू जी तो हर जाति को लेकर चलते हैं, हर जाति को लेकर चलते हैं, ये नहीं कहते कि मुस्लिम कट्टर है, कभी बोले हैं लालू जी मुस्लिम से कभी भारत को खतरा है? बोले हैं जो मुस्लिम से खतरा है, जो हिंदू से खतरा है, उसको बंद कीजिए, खत्म कीजिए, आप उसको अधिकार क्या देते हैं? तो चलिए उसको अधिकार मत दीजिए। चलिए राजनीति में हिंदू मुस्लिम को बीच में नहीं लाना चाहिए, हमारे युवा भाई का कहना है। और मंदिर का जो वो बात बोलते हैं अच्छी बात है, मंदिर एक अपना अंदर आत्मा का आस्था है, वो किसी के जबरदस्ती से नहीं होगा। हम इनको कहेंगे कि आप चलिए वहाँ पूजा कीजिए तो कर लेंगे, जब तक इनका अंदर आत्मा नहीं जगेगा जब तक। और हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं होगा, एक बात बता देते हैं, नहीं तो कोई हम पंडित को चैलेंज करते हैं, मेरे सामने आकर बैठे अपना ग्रंथ लेकर के सारा ग्रंथ में उसका गलत बता देंगे। सारे पंडित जी को हम बोल रहे हैं हमसे आकर के बैठे, क्योंकि हमारे घर में गाय का दूध और गोबर उपज होता है तब वो पंडित कहलाता है, नहीं तो अपना बता दे कि किस चीज से पंडित कहलाता है। संस्कृत तो सब पढ़ता है, संस्कृत एक हमारा सिलेबस है, उसके पढ़ने से कोई पंडित हो जाता है, आदमी को वो गुर्बत कहलाते हैं। पूजा पाठ अपने जगह पर है, उसको रख लीजिए, वो आत्मा का चीज, उससे आप इलेक्शन राजनीतिक नहीं कर सकते। राजनीतिक किस चीज से होती है? जो हर चीज हर इंसान को जरूरत है, शिक्षा, रोजगार और मेडिकल, ये हमारा तीनों जिंदगी का आधार है, इसके बिना कोई जिंदगी नहीं। चलिए राजनीति में धर्म को नहीं लाना है, धर्म का जो अपना स्थान है, जो आस्था है, उसे बरकरार रखना है। राम मंदिर अपने जगह पर है, राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जो कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर को कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। और भी लोग हैं चाचा, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ जन्म से ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या तो है यही बेरोजगारी है। आप बेरोजगार हैं? हम बेरोजगार हैं। क्या करते हैं? यहाँ खेती करते थे। अपना रोजगार है ना? तो खेती के तो बहुत छीन लिया हाउसिंग वाला, बोलिए ना, बहुत छीन लिया। अब क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, पुलिस का डंडा खाते हैं। काम धंधा कर रहे हैं आजकल? घर परिवार कैसे चल रहा है? काम धंधा कहाँ मिल रहा है बाबा की करेंगे, आप काम करेंगे इस उम्र में? काम भी नहीं ना करेंगे, पेंशन बन गया है बाबा। पेंशन वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। आयुष्मान भारत कार्ड है जो 5 लाख का इलाज होता है? नहीं, 5 लाख वाला ये और क्या भी नहीं मिलेगा। बिहार में कौन है?
झाड़ू झाड़ू बंद कहाँ बंद होगा घर रहने बेटा हुए तो जरा अब कहे अभी पिता पिता नहीं तो हर पे पिएगा नहीं पिएगा मंगवाता कहाँ है दर्द बिक रहा मंगवाता कहाँ है मैंने घर तक पहुँच जाता है कहाँ भी बिक रहा है चलिए अंदर जगह बोला था खाना बोलवाइए कहाँ भी बिक बिक रहा था पूरी तरह से लागू नहीं हुआ पापी का तो लागू हुआ ना लाभ पूरी तरह लागू नीतीश बाबू कहा कि दारू बंद बिहार में दारू नहीं रहा है मोदी सरकार से खुश है मोदी सरकार मतलब सरकार में मजा आइए अपने जीता का अपना सीट के लिए लोकसभा चुनाव हो रहा है तो मोदी सरकार की बात कैसे लगे हम लेटे छाप छाप विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है जी लोकसभा हम लेटे छाप है हम कौन छाप है चलते हैं जानकारी के बाद यही काम कर सकते हैं आप कौन मोदी सरकार ने किया है मैं लालू से खुश हूँ भैया कह रहे थे कि कैसे मोदी सरकार संतुष्ट है नहीं नहीं वो आपकी बात पे बोले थे जो अभी आपने कहा था कि लालू जी ने आपने आपके लिए क्या किया तो मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया बढ़िया आपसे पूछना था कुछ नहीं किया सरकार दोनों ही हमारे लिए बराबर है सरकार को कोई फायदा नहीं है सरकार वैसे बदलना चाहिए इस बार सरकार बहुत जरूरी है सरकार का बदलना कोई खास वजह नहीं बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा तो यहाँ फिर शराबबंदी है तो शराबबंदी का तो कोई फायदा है नहीं उससे ज़्यादा तो शराब अब बिक रहा है जो शराब चालू में जितना नहीं बिकता था उतना अब बिकने लगा है तो शराबबंदी कोई भारी मुद्दा नहीं है शराब जो है चालू हो जाना चाहिए शराब चालू हो जाना अब बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए अभी जो लोग नकली शराब पी के मर रहे हैं कम से कम वो तो मरते तो नहीं असली मिलेगा तो कम से कम मरेंगे तो नहीं यानी कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं शराब पीना चाहिए नहीं नहीं पीने के लिए अपील नहीं करेंगे पीने के लिए मेरे बोलने ना बोलने से कोई पीना नहीं छोड़ देगा ना कोई पीना शुरू कर देगा चालू हो जाएगा तो फिर आसानी से लोगों को मिलेगा उससे ज़्यादा आसानी से अब मिलने लगा है आप ग्राउंड पर उससे ज़्यादा अब दारू मिलने लगा है पहले ये था कि हमें फलाना जगह मिल रहा था वहीं जाके शराब की जगह पे युवा जो है कि अब अलग अलग तरह का नशा का इस्तेमाल करने लगे हैं बहुत तरह का नशा ऐसे ही नशा ले गया है सुनने वाला नशा हो गया है स्माइल का हो गया है बहुत तरह का नशा बढ़ गया है शराब था तो कम से कम ये तो था कि चलो शराब ही पी रहा है दूसरा कोई नशा तो नहीं कर रहा है लेकिन नशे को तो नशा चाहिए ही दूसरा नशा कर रहा है उससे ज़्यादा नुकसान में अब जा रहा है युवा बिहार में विकास हुआ बिहार में विकास अभी तो नहीं हुआ है फिलहाल तो ऐसा कोई खास विकास नजर नहीं आ रहा जब युवा बेरोजगार है तो विकास कैसा होगा ये अटल पथ बन गया जेपी गंगा पथ बन गया बड़े बड़े रोड बने थोड़ी आ गया भाई ये विकास की हम बात कर रहे हैं विकास की नहीं अटल पथ बनने से आपके घर में रोटी आ गया तो आप हमको बताइए आपके घर में हमारे घर में अटल पथ बनने से आपका क्या फायदा और हमारा क्या फायदा कोई फायदा नहीं यहाँ के लोगों को आने जाने में आसानी हो रही सुविधा हो रही है जैसे कहाँ जाने में आसानी हो रही है जब हम काम पे जा ही नहीं रहे तो फिर आसानी काहे का हुआ जैसे कि गंगा पार से जो लोग पटना आते थे उनके लिए यदि एक पथ बन गया आने में सुविधा हो रही कि नहीं आप हमको सुविधा का कारण बताइए जब हम गंगा पार से यहाँ आ रहे हैं दो पैसा कमाने का कोई साधन ही नहीं तो हम गंगा पार ही रहेंगे घर ही रहेंगे आएंगे किसी इलाज कराने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं इलाज कराने के लिए आ रहे हैं तो सरकारी में ऐसा कोई इलाज थोड़ी हो रहा है सर इलाज करवाने प्राइवेट आ रहे हैं तो खाली इलाज मुद्दा नहीं है मेन मुद्दा तो रोजगार है जब आप काम करने का आपके पास साधन ही नहीं है तो आप क्या कीजिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बड़ा मार्ग मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन क्या कीजिएगा जब आपके पास कोई काम ही नहीं है कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ से भेजने के लिए तो आप ट्रांसपोर्ट क्या कीजिए यानी हिंदू धंधे स्थापित होने सबसे पहले ये मुद्दा होना चाहिए और हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए यहाँ के सब हिंदू है मुस्लिम है हम सब मुस्लिम है ये सब बेकार की बात है यहाँ इतने भीड़ में एक अकेला मुस्लिम हमें कोई दिक्कत नहीं है या किसी भाई को हमसे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कैसे मुद्दा होगा तो झूठ का देखते रहते हैं हिंदू मुस्लिम बेकार का बात करना बिल्कुल बिल्कुल बेकार कोई मुद्दा नहीं है मुद्दे पे बात करना चाहिए मुद्दे पे बात करिए युवाओं को रोजगार दीजिए सबसे पहले यानी इस बार सरकार बदलेगा बिल्कुल बदलना चाहिए और हम आपके माध्यम से और भी लोगों से अपील भी यही करना चाहेंगे कि सरकार बदले सरकार चलिए सरकार बदलिएगा तभी यहाँ का तस्वीर बदलेगा जैसा कि यहाँ के युवा हैं चलिए इन चाचा से बात कर लेते हैं काफ़ी लोग बातचीत कर लिए चाचा क्या नाम हुआ मेरा नाम हुआ शत्रुघ्न यहाँ पे कितने साल से रहा है यहीं पे जन्म है करता क्या है काम धंधा करता क्या काम करता है क्या प्राइवेट राजमिस्त्री राजमिस्त्री का काम करता है अच्छा बताइए कि महंगाई बढ़ा है घटा बिल्कुल बढ़ा कैसे बढ़ा महंगाई कैसे बोलिए कैसे बढ़ा ये आने के बाद तो महंगाई से आग लगा आए तो यही कहते कि हम सस्ता करेंगे सस्ता का करेंगे तिलगुना महंगा कर काम धंधा है नहीं
और दूसरी चीज है कि यहाँ का जो सांसद है विधायक दोनों ला पता है ये हर घर नल योजना और शौचालय जो भी बोलते हैं किसी को घर में शौचालय बना इन्हीं को नहीं बना। आपके विधायक कौन है? संजीव चौरसिया है। नहीं आते हैं लपता है उनके पास तो दूर दूर तीन तीन बार या दू बोली यहीं लोग से पूछिएगा। सबसे बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 1-22 में पेयजल की समस्या। विधायक जी के पास गोर हाथ जोड़ने के कम से कम 50 बार गए, संसद के पास गए, 2 साल से आवेदन हम दे देते रहते हैं। पानी तो हर इंसान को जरूरत है, हिंदू हो चाहे मियाँ हो चाहे बड़ा हो या छोटा, सबको पानी की जरूरत है। सबकी वही हाल है, वृद्धा पेंशन वही बंद है, कोई चीज़ नहीं है, खाली भाषण दे रहे हैं, खा रहे हैं कि बस यही काम है, उनके पास कोई काम नहीं। राशन कार्ड भी जाते हैं 1.5-2 लाख तो आदमी का राशन कार्ड बन गए, कहाँ से करें? आपका बना था? मेरा बना था, कैंसिल हो गया। पता करने के बाद बहुत यार पता क्या रहा, सरकार के पास अभी अप्लीकेशन दिए हुए, जो डेढ़ 2 साल हो गया उसका अप्लीकेशन दिए हुए, कोई सुनवाई नहीं, पूछा भी नहीं कि आपने आवेदन दिए, हम ये आप पर आवेदन पर हम विचार कर रहे हैं। वीडियो सीओ सब के पास दिया, डीएम के पास भी दिए आवेदन, अनुमंडल में भी दिए, वहाँ से कोई पूछा भी नहीं। जाते हैं तो कहता ठीक है आप जाइए पार्षद के पास, वहाँ पर भेजा हुआ है, वहाँ भेजा हुआ है, सरकार का भी छोड़ देता है, करेगा कुछ काम धंधा है नहीं, करेगा कुछ मूलभूत सुविधा देने में सरकार में काम। यहाँ तो बोलते संसद विधायक 30-40 साल हो गया, हम तो होश संभालते हुए देख रहे थे, बीजेपी का सांसद है और बीजेपी के विधायक है, दोनों लपता। 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं, दोनों में से कोई नजर नहीं आता। पेपर का नाम ही नहीं, पेपर लिखा यहाँ जब वैकेंसी टीचर का आया तो देख रहे हैं कि पेपर लिखो दिया। यहाँ देखिए जब तेजस्वी जी का सरकार आया तो 17 महीने में तेजस्वी जी रोजगार दिए, रोजगार दिया उस और उस आधार पर देखिए आज तेजस्वी जी के बदौलत आज तेजस्वी जी ऐसा काम किए कि पीएम को रोड पर ला के खड़ा कर, जो सांसद काम नहीं करेगा तो पीएम को रोड से करना पड़ेगा, ऐसा स्थिति है बिहार का। बिहार में जो समझी काम का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो आज तक बिहार में आकर रोड शो किया। हमको तो लगता है प्रधानमंत्री का नाम बदल कर प्रचार मंत्री रख देना चाहिए जी। और मेरा सांसद है, सांसद के तो पटना में आप लोग के माध्यम से देखे थे कि सांसद का लापता होने का खबर चल रहा था, तो सांसद आज तक जब से हम चुनाव हुआ हम तो चुनाव में भी सांसद नहीं देखे, आज तक अपने क्षेत्र में कभी सांसद को नहीं देखा कि सांसद मेरा कहाँ है। किसी भी मुद्दे में कोई भी हो यहाँ की समस्या हो तक सांसद को कोई पता नहीं है। क्या आप वोट लेने के लिए आएगा? वोट लेने के लिए नहीं, 30 बार जनता मूड बना लिया बदलाव का, इसमें बदलाव हो कर रहा है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए हैं तो स्पीड हो चुकी है, 17 साल कहाँ थे? ये की सरकार थी ना 17 साल, उस समय कहाँ थे? तेजस्वी जी बोले थे कि नौकरी 10 लाख देंगे, यही नीतीश जी बोले थे पैसा कहाँ से लाओगे, अपने बाप कौन से लाओगे? आज वही तेजस्वी यादव ज्ञानी मैदान में नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र बंटवा दिए। आप बताएं नीतीश जी के कहाँ से लाए पैसा? आप नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, आप कहाँ से पैसा ला के दे रहे? अपने बाप कौन से ला के दे रहे हैं? नीतीश जी तेजस्वी जी को बोले कि अपने बाप कौन से पैसा लाए, अभी वो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि मुठा बांधे देखे नीतीश जी को सत्ता से हटा कर लेंगे, आज उसी के गोद में जाके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जो बोलते उठ पटांग बोली बहुत आदमी को गुस्सा आता है, अरे नीतीश कुमार का पलटू राम नाम साबित हो गया, तो पलटू राम है। अब फिर सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी माने वाले बीजेपी से लड़ा चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप ही लोग के माध्यम से नीतीश चैनल के माध्यम से हमको पता चलता है नीतीश कुमार बोले कि दारू बंद है, कहाँ दारू बंद है हमको बता दे कोई कि दारू बंद है कहीं, यहाँ पर फोन करेंगे तो यहाँ पर दारू आएगा। हाँ दारू से क्या हुआ? दारू से देखिए कि लेसन स्माइक गांजा भांग क्या क्या नशा छोटा छोटा बच्चा कर रहा है नशा। नीतीश कुमार कह रहे हैं आज कह रहे हैं, हाँ सम्राट चौधरी बोले थे कि किडनी के बदले रोहिणी को टिकट मिला है। इस सम्राट चौधरी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी को जब लालू यादव जब जीत दिया था तो आपके पिताजी लालू यादव को क्या दिए थे? सम्राट चौधरी से हम पूछा जब आप बच्चा थे जब विधायक पहली बार रहे थे आप क्या दिए उसके बदले लालू यादव क्या दिए? तो बोलते हैं कि किडनी के बदले टिकट दिए तो आप क्या दिए लालू यादव को? हम इन सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं क्या है सत्ता का प्रमुख? देखिए हम संविधान पर बोलना चाहते हैं, संविधान में बाबा साहब ने संविधान में समता फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है संविधान में कि समता स्वतंत्रता बंधुता सबको न्याय देता है बराबर का, और भाजपा के लोग कहते हैं कि संवैधानिक है,
क्यों मैंने भाजपा के लोगों का जलन होता है जबकि बराबर का हक मिलता है और पीड़ा हो रहा है। और भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास विकास, तो नेट पर क्यों नहीं जारी कर देते हैं कि सब को अपना अपना देख लेगा कि किसका कितना कितना विकास हुआ है, वो सच्चाई सबके सामने आ जाएगा, नहीं तो झूठ का महापुलंदर विकास नहीं ना नहीं। युवा देख रहे हैं बेरोजगारी से परेशान है, इन्हें उन्हें भटक रहा है। संविधान पढ़े संविधान में मैंने हम दिल के साथ काम में भी काम किए हैं, साथ में रह के बहुत सारे कानून के बारे में भारत रहता तो जीने का अधिकार भी नहीं रहता। संविधान बदलने की बात चल रही है और संविधान बदलने के हमेशा मैंने भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि हम बदल दें, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, गलत है, ये होने ही नहीं देंगे हम लोग, नहीं होने यानी इस बार सरकार बदल दीजिए, बदल देंगे यहाँ पर कांग्रेस को सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को लगेगा तो सारा समस्या का हल हो जाएगा। कम से कम गरीबों के प्रति रहम दिल रखता है, लेकिन इसके जैसा क्रूर दिल वाला नहीं है। देखे थे आप ही लोग चैनल के यहाँ मंत्री बिहार सरकार का प्रेम कुमार कुछ अपने समर्थक के साथ बैठकर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने नहीं देंगे, इसलिए मरना मिटा क्यों नहीं पड़ता। बिहार में 40 सीट जितने जाना महागठबंधन, जितना जोर लगाना है मोदी जी को लगा ले और चिराग पासवान वहाँ करे हाजीपुर में, चिराग पासवान का क्या अस्तित्व है हाजीपुर जो टिकट बेचने वाला है, वहाँ का जनता भी मूड बना लिया। और पाटलिपुत्रा में तो देख ही रहे हैं कि अभी क्या स्थिति चल रहा है, मोदी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार का नारा भूल गए, कहीं भी सुनिएगा 400 पार का नारा भूल गए मोदी जी, 400 पार का नारा भूल गए हैं कि कहाँ मेरा 400 पार होने वाला। चार चरण के चुनाव में मोदी जी बहुत पिछड़ चुके हैं, ऐसा स्थिति हो गया कि अब जैसे मैंने कि जनता को बुलाने का काम किया जा रहा है, जनता को बुलाया जाए। देखिए अब तो एक और बताते हैं, आप देखिए यहाँ पर मुंगेर में जब चुनाव हुआ, मुंगेर में क्या स्थिति, प्रत्याशी के साथ मारपीट किया गया, झोटा खींचा गया, आप बताइए। एक हमारे साथ और हैं यहीं के स्थानीय हैं, क्या कहेंगे इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार का चुनावी मुद्दा है अब की बार मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार और निश्चित उनका 400 हार होने जा रहा है। ये मोदी जी जो कर रहे हैं, हम लोग लाइसेंस दे दिए हैं और लाइसेंस दे करके कानून भी बना हुआ है, उसके बाद भी हम लोग को रोड पर चलाया जा रहा है, 10 से लेकर 50 हज़ार रोड है। हमने रविशंकर बाबू से भेंट किया, हमने स्थानीय विधायक डॉक्टर संजू चौरसिया जी से बात की, मेयर से मिले, सब लोग ने कहा कि अतिक्रमण आता है तो ठेला वाले को हटने पड़ेगा, तो ठेला वाला को हटने पड़ेगा तो ये लाइसेंस भी जुड़ा है, लोगों का 400 पार नहीं होने वाला है और इंडिया का उचित उसका तो कोई बरकत ही नहीं है, न पता है सांसद, हमारे सांसद तो है अभी भी बीजेपी खाली वोट देते हैं, खाली पार्टी के नाम पे उनको वोट करते हैं, बीजेपी का सांसद हो अच्छा विधायक उनका कोई निर्दलीय कैंडिडेट सके इस बार हार जाए, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसकी तो गारंटी हम गारंटी पब्लिक ही बना लिया, पब्लिक ही दे गारंटी नहीं दे सकते कि वो हारेंगे कि जीतेंगे, ये कैसे हम निश्चित कर रहे हैं। आपका तो समर्थन बीजेपी को ही है, फिर आप विरोध कर रहे हैं, विरोध सांसद का कर रहे हैं, सांसद तो बीजेपी का ही है, बिल्कुल से परहेज है, बीजेपी के सांसद है क्या बोले आप, पार्टी को वोट दे रहे हैं, सांसद को वोट नहीं दे रहे, सांसद भी तो बीजेपी का ही ना आदमी है, बीजेपी का आदमी है, लेकिन मैंने यहाँ के जो लोग सांसद से जो भी यहाँ के जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आम पब्लिक हो या सांसद से नाखुश, तो संविधान भी फिरंगियों का खानदान का ताकत नहीं है कि वही संविधान खत्म कर देंगे, इनके बाप दादा जब खत्म नहीं किए थे ये काम खत्म कर सकते हैं, इन्हें अम्बेडकर जी का जो संविधान बना हुआ है फिरंगियों की ताकत नहीं है उसको चेला चपाटी से खत्म कर देंगे, उसको
हिंदू हिंदू कह के संविधान को बचाना के लिए हम लोग हैं, हम लोग जान रहे हैं हिंदू के नाम पर संविधान खत्म कर देंगे। कितने बीजेपी के नेता लोग के आ रहा है कि मोबाइले से पर देखने की आ रहा कि हमको 400 सीट दो, जब 400 सीट आ ही रहा है तो चंडीगढ़ में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ा था भाई। भाई बिहार में इलेक्शन हुआ था, कैंडिडेट को आप झोटा चीर के मारते हैं, इनको गाड़ी जब पब्लिक तैयार है 400 सीट देने के लिए तो मार का है ना, इसका मतलब हार रहे हैं तो बफलाहट लिखा व्यक्ति कर कैंडिडेट को नहीं माना जाता। मोदी जी फिर पटना में आ रहे हैं पता है आप है ना, तो जब जा रहे हैं तो पब्लिक को कितना बढ़िया से सेवा सत्कार करता, फोटो खिंचाएंगे जाएंगे। लालू जी अब महागठबंधन के लोग जो ऐसा उनको कर दिया है तो कभी गली गली का घरे घरे जाना पड़ेगा, यानी मोदी जी को डर है कि पटना साहिब सिखा रहे हैं दाम दाम पूरे बिहार में उनको करना पड़ेगा, रोड गली गली जाएगा अब घर घर घूमेंगे, अभी तो गली गली ना रहे हैं, घर घर उनको घूमवा देगा अभी महागठबंधन के लोग। अब युवा लोग युवा जो बेरोजगार पड़ा हुआ है, अब बताइए कि हम लोग बाल बच्चा को देखते हैं पढ़ाते के लिए ट्यूशन कराते हैं, अब मेरा बाल बच्चा पढ़ रहे हम बूढ़ा हो जाएंगे तो कब तक कमा के बाल बच्चे को घर में रखेंगे, युवा क्या करेगा क्या करेगा, युवा युवा देगा ना वोट मोदी जी को, अब बूढ़ा देवे नहीं करेगा तो कहाँ से वोटमा में स्थानीय लोगों से बातचीत हो गई है और एक निष्कर्ष जो सामने निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों में नाराजगी है। तो अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि पटना साहिब लोकसभा सीट यहाँ से बीजेपी जीत रही है कि इंडिया महागठबंधन इस पर कब्जा जमाएगी। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे द न्यूज़ 11।